अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ मुफ्ती फजल हमदर्द हैं। इन्होंने एक नया अदारा बनाया है हाल ही में, उसका नाम है इंटरफेथ सेंटर ऑफ पाकिस्तान, जिसमें जो भी नॉन मुस्लिम लोग हैं उनको उनके साथ क्या करते हैं ये मुझे नहीं मालूम। अभी इनसे बात करते हैं, हमारे साथ ट्यून इन रहिएगा कि ये क्या करना चाहते हैं, गैर मुस्लिमों की क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं, गैर मुस्लिमों के साथ क्यों काम करना चाहते हैं, मुसलमान बर्बाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, तो ये उनका ख्याल क्यों नहीं कर रहे बल्कि गैर मुस्लिमों का क्यों ख्याल कर रहे हैं। तो हमारे साथ ट्यून रहेगा, इस पर बात करते हैं आज। जी अस्सलाम वालेकुम फजल भाई, खैरियत से हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। जी पहले तो आपको गुजरी हुई ईद मुबारक हो, आपको बहुत बहुत आपका नया इदारा मुबारक हो। हमें बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और आजकल जो है ख़ास तौर पे पूरा पाकिस्तान गर्म हुआ हुआ है इसराइलियों के ऊपर, यहूदियों के ऊपर, उसकी हिकमत अकमली की भी बात करेंगे। तो बात करना शुरू करते हैं कि ये आपने जो नया अदारा बनाया है ये क्या है और क्यों है। जी बहुत शुक्रिया रेहान भाई कि आपने मुझे ये वक्त दिया कि मैं आपके शो में आऊं और अपने प्रोग्राम के हवाले से आपके साथ चीज़ें शेयर करूं और आपके तवस्सुत से आपके नाज़रीन को भी बता सकूं कि इंटरफेथ सेंटर पाकिस्तान क्या है, क्यों है और क्या करना चाहता है। सबसे पहले तो बात यह है कि इंटरफेथ, जो अगर मैं इसको समझाऊं एक लफ्ज में बताऊं, तो ये बैलेंस से है कि कायनात को अगर हम पूरे देखें तो कायनात के अंदर एक बैलेंस नजर आता है। हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर सही काम कर रही है। सूरज है, चांद है, सितारे हैं। हर अल्लाह ताला ने जिस चीज को जो ड्यूटी दी है वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। तो कायनात के अंदर एक बैलेंस है। तो इसी तरह हमारे रवैयों में, इंसानों के अंदर अगर बैलेंस होगा, हर शख्स अपनी अपनी जगह पर काम करेगा, तो लोगों में टकराव नहीं होगा, तनाव नहीं होगा। और अगर बेचैनी और ना हो तो उसी का नाम अमन होता है, सुकून होता है। तो इंटरफेथ सेंटर पाकिस्तान बनाने का मकसद भी यही है कि जो जितनी भी हमारे यहाँ कौमियतें हैं या रहने वाले लोग हैं मजाहिब के, वो आपस में अपने अपने मजहब पे रहते हुए अपने अपने अकीदों और नजरियात को पर कारबंद होते हुए दूसरों का एहतराम करें और अमन और सुकून के साथ रहें। ये है इसके क्याम का मकसद और यही हमें कुरान मजीद से तालीमात मिलती हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा भी हमें यही सिखाती है कि हम अपने आप को बैलेंस के साथ रखें, अपने मिजाज के अंदर, रवैयों के अंदर, अपने अकायद के अंदर। तो इससे ये होगा कि अमन होगा, सुकून होगा, पीस होगा, शांति होगी। जी रिहान भाई, तो आपको क्यों ख्याल आया कि आप गैर मुस्लिमों को छोड़ के मुस्लिमों को छोड़ के गैर मुस्लिमों के लिए काम करना शुरू करें? बेसिकली मैं न मुस्लिमों के लिए ना गैर मुस्लिमों के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं इंसानियत के लिए काम करना चाहता हूँ कि और मैं काम कर रहा हूँ कि जो भी इंसान है वो आदम के औलाद है और हमें ये इस्लाम हमें ये तालीम देता है कि हम कुल इंसानियत के लिए अपना वक्त दें। कुल इंसानियत जो भी दुख के अंदर है उसके लिए, उसके दुख के अंदर शरीक हों, उसकी खुशी के अंदर शरीक हों और उसे अपना भाई समझें। तो अब मैंने जब यहाँ पे देखा कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमें जब मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती तो हम उस चीज से दूर होते हैं या अजनबी होते हैं और खौफ महसूस करते हैं। बुनियादी तौर पर खौफ यही है कि किसी जब किसी भी चीज के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं होती तो उससे हम डर रहे होते हैं। मैं आपको अपना वाकया बताता हूँ रेहान भाई कि बुनियादी तौर पर जब मैं हिंदुओं के पास नहीं जाता था और हिंदुओं से मेरी दोस्ती नहीं थी तो मैं हिंदुओं को ये समझता था कि ये दुनिया के सबसे बड़े जालिम लोग हैं, इंतहा पसंद लोग हैं, काफिर हैं,
मुशरिक हैं, क्योंकि कुरान में मुशरिकीन कहा गया और सूरह तौबा के अंदर है कि मुशरिक तुम्हें जहां मिले उसको कत्ल कर। तो अब ऐसी चीजें जब थी तो लाजमी बात है एक नफरत तो बनती है। लेकिन और मैंने ये भी सुना हुआ था कि ये लोग जो है वो ऐसी नाजिबा अखलाक के अंदर मुलविस है, नाजिबा चीजों के अंदर कि जो इंसानियत से गिरी हुई होती है। लेकिन जब मैंने हिंदुओं के साथ दोस्ती की, उनसे बातचीत की और उनके पास गया, उनके इलाकों में गया, उनके मंदिरों में गया, खास तौर पर उनके पंडितों से जब मैंने बात की कि भाई आप मुझे बताएं इन इन चीजों के हवाले से आपका क्या कहना है और शिर्क क्या है, आप क्या करते हैं, मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, मूर्ति पूजा क्या है, भगवद गीता के अंदर क्या है, वेदों के अंदर क्या लिखा हुआ है, उन किताबों का मुताला किया, तो मुझे जिन चीजों से सबसे ज्यादा फायदा हुआ वो लोगों से जब मैं कनेक्ट हुआ और उन हिंदू लोगों के साथ, उनके मजहबी लोगों के साथ जब मैं मिलने लगा तो मुझे ये मालूम हुआ कि इनके और हमारे अंदर बहुत सी चीजें सेम है। हमने सेम चीजों को छोड़कर जो आपस में मुश्तरक हैं, नौयत की हैं, उन्हें छोड़कर इख्तलाफी चीजों को ले बैठे हैं और इख्तलाफी चीजों की वजह से आपस में मारदार, मार कुटाई, नफरत, इल्जाम तराशी, ये बातें हैं। भगवत गीता का मैंने जब मुताला किया रेहान भाई, भगवत गीता जिसके अंदर जो एक ऐसा मैसेज देता है कि आप जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की आपस में गुफ्तगू है वो अगर हम पढ़ें तो एक शागिर्द और उस्ताद की जो बात है जिसके अंदर ये सिखाया गया कि तुम हक और सच की बात करो। अर्जुन कहता है कि मेरे सामने मेरे भाई हैं, मेरे चाचा मामा अपने लोग हैं, श्री राम जी श्री कृष्ण जी मैं इनको क्यों मारूं, आप मुझसे मेरे अपनों को क्यों मरवाना चाहते हैं। तो वो कहते हैं ये तुम्हारे अपने नहीं है क्योंकि ये जुल्म के ऊपर है, तो जो जालिम होगा वो तुम्हारा अपना नहीं होगा। यही मैसेज कुरान मजीद के अंदर भी है, हजरत नूह से कहा गया कि तुम्हारा बेटा नहीं है ये क्योंकि ये जालिमों की सफ में खड़ा हो गया। तो सेम चीजें मिली और तब मुझे उनसे ऐसे मालूम होने लगा कि हमने बहुत अफसोस के साथ इनको बहुत पीछे हमने कर दिया है। तो लिहाजा इससे मेरी गलतफहमी तो दूर हो गई कि जो मैं उनके हवाले से ये समझता था कि ये कोई मजहब ही नहीं है, ये बस लोग ऐसे ही कोई दरख्तों को पूज रहा है, कोई सांप की पूजा कर रहा है, कोई बंदरों को कर रहा है, तो इसके पीछे पूरी उनकी फिलोसफी, उनके पास किताबें मौजूद हैं, उनके ऊपर उनके निजाम जिंदगी है, रोजा है, पूजा है। तो अलगरज इसी तरह दीगर कम्युनिटीज के साथ भी हो सकता है और लोग भी हो सकते हैं, किसी का कोई भी सवाल हो सकता है। अब मैं लोगों को समझाता नहीं हूँ, मैंने समझाना छोड़ दिया है कि किसी को समझाऊं, लेक्चर दूं, भाई ऐसा ना करो। अब मैं कोशिश ये होती है जिस जिन लोगों का आपस में इख्तलाफ हो मैं कहता हूं कि आप दोनों आपस में बैठ जाएं और एक दूसरे से सवाल जवाब करें, हो सकता है आपके सवाल जवाब से एक दूसरे की तसल्ली व तशफी हो जाए, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। और ये वीडियोज बनाने का मकसद भी ये है कि उन लोगों को सामने लेकर आऊं और इससे जब वो सामने आएंगे तो लोग उनके साथ कनेक्ट भी होंगे, उनसे जुड़ेंगे भी, सवाल जवाब भी करेंगे। मैं पंडितों से मिलता हूँ, मैं गुरुओं से मिलता हूँ, स्वामी जियों से जिसे बात करता हूँ फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, मिलियंस लोग उसको देखते हैं और वहां पे मुकालमे का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो, मुस्लिम सवाल कर रहा होता है, हिंदू जवाब दे रहे होते हैं, हिंदू सवाल करता है, मुस्लिम जवाब देते हैं, डायलॉग का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। जब डायलॉग का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो मेरे ख्याल के अंदर हम पीस की तरफ आगे बढ़ेंगे और यही जो है वो एक मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम इस्लाम का पैगाम भी आगे कर सकते हैं कि भाई इस्लाम के हवाले से जो आप कहते हैं, जो बताया जाता है, जो इस्लामोफोबिया है वो कुछ है और जो कुरान मजीद के अंदर है और जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है वो ये है। तो एज अ मुसलमान हम भगवत गीता को पढ़ सकते हैं क्या? ये हराम नहीं है इसको पढ़ना? नहीं, कोई हराम नहीं है, पढ़ सकते हैं उसको, मुताला कर सकते हैं, वो एक खुदा का पैगाम है, उसके अंदर अच्छी बातें लिखी हुई हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो लोग कहते हैं कि भाई हमारे लिए कुरान ही काफी है, हमें भगवत गीता नहीं पढ़नी चाहिए और मजहबों की किताब नहीं पढ़नी चाहिए। इसके बारे में मजहब क्या कहता है? कहीं पर भी इस्लाम ने किसी जगह पर भी मना नहीं किया है कि आप किसी मजहब की धर्म की किताब को ना पढ़ें, उसको छू नहीं सकते हैं, ऐसा कहीं पे कुरान मजीद के अंदर नहीं है। बल्कि सीरत के बहुत सारे हवाले मिलते हैं कि जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी कि उन लोगों से आप सीखें और उनके जो फनून है उसे सीखें। मुस्लिम हिस्ट्री के अंदर आप देखें तो मुसलमानों ने बहुत सारा जो है वो इल्म वो दीगर अकवाम से हासिल किया है, उनकी मजहबी किताबों को पढ़कर हासिल किया है। तो कहीं पर भी जब तक हम एक बात है, एक लफ्ज़ कहते हैं अरबी जबान के अंदर, खुज मा सफा व दा मा कदर, अच्छी बात को ले लो जहां से भी मिलती है
और जो बुरी चीज है उसको छोड़ दो, चाहे वो कहीं की भी हो। तो मुस्लिम उम्मा ने जब तक अच्छी चीजों को लेना चाहा और लेती रही, तो दुनिया के अंदर इल्म और फन के अंदर हम आगे रहे, इमामत करते रहे। और जब हमने ये कर दिया कि ये फलां मजहब की किताब है, फलां की है, कौम की है, इल्म किसी मजहब और धर्म से ताल्लुक नहीं रखता। इल्म इंसानियत का मुश्तरक विरासत है, मुश्तरक मीरास है। हजरत अली ने फरमाया कि इल्म तुम किसी से भी हासिल करो, वो हासिल करो, और इल्म जिससे हासिल करते हो वो तुम्हारे लिए बड़ा मुआज़्ज़ज़ शख्स होता है। इल्म हासिल करना चाहिए। अच्छा, कुरान शरीफ में एक आयत आती है जहाँ पर लोग अक्सर कोटेशन करते हैं कि यहूद नसारा आपके कभी दोस्त नहीं हो सकते, और उसी को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे लोग जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। मैं जब उनसे कहता हूँ कि इसराइलियों से दोस्ती करो, इंडियनों से दोस्ती करो, वो दोस्ती को ये समझते हैं कि मैं तो फेसबुक फ्रेंडशिप की बात कर रहा हूँ, बात करने की बात कर रहा हूँ, साथ बैठने की बात कर रहा हूँ, मैं उनसे इस चीज़ की बात नहीं कर रहा कि वो पता नहीं कौन सी दोस्ती होती है, किस चीज़ की बात कर रहे हैं, लंगोटिया यार बनाने को शायद समझ रहे हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि क्या क्या इस्लाम में मना है गैर मुस्लिमों से दोस्ती करना या बात करना। रेहान भाई, गैर मुस्लिमों से दोस्ती करना बिल्कुल ये मना नहीं है। कुरान मजीद ने किसी जगह पर नहीं कहा कि आप गैर मुस्लिमों से दोस्ती ना करें। मुख्तलिफ अल्फाज हैं, गैर मुस्लिमों की कैटेगरीज हैं। गैर मुस्लिमों के लिए जब भी कुरान बात करता है तो अन्नास, ओ मैनकाइंड, या पीपल के लफ्ज से बात करता है। और अगर उन गैर मुस्लिमों के अंदर किसी ग्रोह को अलग करना चाहे तो उसकी फिर अलग कैटेगरीज है। कोई यहूदियों के अंदर आ जाता है, कोई नसारा के अंदर आ जाता है, क्रिश्चियनिटी, किसी को मुशरिक का टाइटल देता है, किसी को मुनाफिक का। अब जब हम इन सबको एक कर देते हैं तो फिर ये होता है कि जी कुरान में तो गैर मुस्लिम से मना किया। कुरान में किसी जगह गैर मुस्लिम से दोस्ती का मना नहीं कहा। कुरान में अगर वो जो एक आयत है जिसमें आप बता रहे हैं उसमें है, मेरे दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को दोस्त मत बनाओ। और मैंने आपसे कहा कि ये दुश्मन जो है, दुश्मन कौन होगा? दुश्मन वो होगा कि जो इंसानियत को नुकसान दे रहा होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के अंदर उनके दुश्मन कौन थे? जो मजलूमों पे जुल्म करते थे, कमजोरों को गुलाम बनाते थे, अबू जहल, उतबा, शेबा, वलीद, अबू सुफियान, ये लोग थे जो कमजोरों पे जुल्म करते थे। उसमें आपके अपने लोग भी मौजूद थे। तो कहीं पर उसमें ये नहीं है कि मजहब की वजह से, कि ये हिंदू है वो अलग मजहब का है, यहूदी है वो अलग मजहब का है, मसीही है, उसके मजहब की वजह से नहीं कहा है। अगर एक मुसलमान भी चोरी करेगा तो क्या वो इंसानी समाज का दुश्मन नहीं होगा? अगर इसी तरह उस जमाने के अंदर जो यहूद या नसारा थे, उन्होंने मिलकर मक्का वालों के साथ मिलकर, जैसे बनू कुरैजा का वाक्या है या गजवे खंदक हुई है, मदीना के अंदर रहते हुए यहूदियों ने साज बाज की मक्का के लोगों के साथ, तो उन्होंने वहां से चढ़ाई कर दी। अब कहा गया कि भाई ये जो यहूदी हैं, ये जो क्रिश्चियन हैं या जो मसीही हैं, उस वक्त तो मसीही वहां पर नहीं थे, बहुत कम तादाद के अंदर थे, यमन से आए हुए, कहा गया कि ये लोग जो मिले हुए हैं इनके साथ तुमने दोस्ती नहीं करनी है, क्योंकि इस वक्त हम हालत जंग में हैं। एक सहाबी ने, जो कि बदरी सहाबी है, उसने राज फाश कर दिया, तो हुजूर ने फरमाया कि उसको पकड़ लो क्योंकि ये राज फाश कर रहा है। उस वक्त के अंदर अगर कोई शख्स ऐसी हालत के अंदर दोस्ती करेगा तो लाजी बात है, कहेंगे कि ये गद्दारी कर रहा है, लेकिन ये आम हालत के लिए नहीं। तो इसको बहुत ही जगह पे जाकर, ऐसे मिसाल एक देता हूँ, कुरान की सूरह तौबा के अंदर है, जिसे वसीम रिजवी ने अभी जो 26 सूरतों को लेकर, आयतों को लेके गए, उसमें एक आयत ये भी है कि फक्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमुहुम, मुशरिकों को पकड़ो, इनको मारो, खत्म कर दो जहां तुम्हें मिलते हैं। मुझे बताइए, मेरा सवाल है उलमाए किराम से, क्या इस आयत की वजह से आप देखें, क्या हम कहते हैं कि क्रिश्चियन कहीं भी तुम्हें मिलता है उसको खत्म कर दो? पाकिस्तान के अंदर अमन के साथ रह रहे, दुनिया भर के अंदर रह रहे होते हैं, जिम्मी का कॉन्सेप्ट है। हुजूर ने फरमाया कि जिसने भी किसी जिम्मी का हक सलब किया, कयामत के दिन मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जिम्मी के साथ खड़ा होऊंगा और उस मुसलमान से उसका हक दिलाऊंगा। तो गैर मुस्लिमों को अलल इतलाक कहीं पर भी उनसे ये नहीं कहा कि आप इनको मारे, खत्म करें। कुरान की ये आयत कहती है कि मुशरिक, जो कि क्रिश्चियन भी हैं हमारे उलमा कहते हैं, और यहूदी भी मुशरिक है क्योंकि वो उजैर को अल्लाह का बेटा कहते हैं, और क्रिश्चियन भी मुशरिक हैं क्योंकि वो हजरत मसीह को अल्लाह का बेटा कहते हैं, और हिंदू तो है ही मुशरिक क्योंकि उनके यहाँ तो कितने खुदाओं का तस्वुर है। तो क्या अब कोई मौलवी मुफ्ती ये फतवा दे सकता है
कि सब मुशरिक जो है इनको मारो खत्म कर दो। नहीं, हम यहाँ पे यही कहते हैं सारे उलमा, यहाँ तक कि मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह ने भी लिखा है कि सिर्फ वो लोग कि जो आप पर हमलावर होते हैं, इसके अलावा किसी भी का जो है वो नहीं कहा। इस वक्त तो इसराइल की हुकूमत फलस्तीनियों के ऊपर हमला कर रही है, और ये वो बोलते हैं कि हम अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि गाज़ा से रॉकेट फेंकते हैं वो लोग, और वो पता नहीं कौन फेंकता है, हमास कौन है, किधर है, नज़र ही नहीं आती, ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ मैं। तो बहरहाल क्या करना चाहिए उस सूरत के अंदर? रैन भाई, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल ये मसला है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक इल्म सियासत से ताल्लुक़ रखती हैं, जिसमें बड़े बड़े लोग मसले फ़लस्तीन के अंदर जो है वो दुनिया के लोग इन्वॉल्व हैं और समझ रहे हैं कि इसको किस तरह से यहाँ पर अमन की कोशिशें की जाए, अमन लाया जाए यहाँ पर। ये लाजमी बात है कि देखें, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि इसराइल जो वहाँ पे कर रहा है कि ऐसी बॉम्बिंग करना कि जिससे यहाँ तक के जो यूरोप के बहुत से ममालिक ने भी इसको कंडेम किया है कि आप इस तरह ना करें, और इसी तरह अमेरिकन बड़े बड़े जो स्टार्स हैं उन्होंने भी कहा है कि जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं वो भी यह कहती हैं कि आप इस तरह की बॉम्बिंग ना करें कि जिससे जो आम लोग भी मारे जाते हैं। जो रह गई बात आपका ये सवाल कि इस सिलसिले में अब क्या किया जाए, चूंकि इसराइल तो कर रहा है, तो जो इनमें हल दिए गए उनमें से एक ये है कि इनको अक्वाम मुत्तहदा की जो करारदाद जिस तरह उन्होंने 1948 के अंदर भी पेश की है और बाद के अंदर के, इसको एक मजहबी सिटी करार दे दिया जाए। लेकिन ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि फलस्तीन के जो मुसलमान हैं वो मजलूमीन हैं और वो अपनी जदोजहद आज़ादी कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि उनको उनके ऊपर से ये जुल्म और जाहिलियत जो है वो बंद कर दिया जाए। तो उन्हें अपने दिफा के लिए लाजमी है कि उन्हें करना पड़ता है। तो मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि जो जंग करे वो कुछ सही है, लेकिन अलबत्ता ये है कि दिफा का हक हर कौम को होता है, पाकिस्तानियों को भी है, फलस्तीनियों को भी है, इसराइली कर रहे हैं उनके बकौल उनको भी इसका हक हासिल है, लेकिन इसमें अमन पसंद कुव्वतों को चाहिए कि वो फिलफोर आगे बढ़ें, दोनों को टेबल टॉक के ऊपर बिठाएं, मुजाकरात करवाएं, गुफ्तगू करवाएं और इंसानियत को जो है वो इस दर्दनाक वाक्य से निजात दें। आज पोप फ्रांसिस ने बड़ा ही बेहतरीन बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि दोनों तरफ से जो होने वाली जारहियत है इसे फिलफोर बंद किया जाए और अमन की तरफ लेके जाना चाहिए, वरना हम आने वाली नस्लों को क्या पैगाम देंगे। तो मैं समझता हूं कि इस तरह के जो अमन पसंद कुव्वतें, शेख अजहर है, पोप फ्रांसिस है, पाकिस्तान के इमरान खान है, सऊदी किंग है, उनको चाहिए कि इस जो कशमकश है इसको जल्द अज जल्द निकालें, क्योंकि दुनिया का अमन फलस्तीन के साथ जुड़ा है। रेहान भाई, अगर फलस्तीन के अंदर अमन होगा तो उन कुव्वतों को, ताकतों को जो अमन दुश्मन है उन्हें मौका नहीं मिलेगा ये कहने की कि देखें यहूदी ऐसा कर रहे हैं, फला ऐसा कर रहा है। मैं चाहूंगा कि इस पे जल्द अज जल्द एक तो कोई हल निकले और मुजाकरात जरूरी है इस। अच्छा, हमारी एक दोस्त हैं, वो गाज़ा में रहती हैं, मैं आपको उनके साथ मैंने ग्रुप भी बनाया था, डालिया शराब नाम है उनका, और वो कहती हैं कि इस वक्त आप नंबर वन दुआ करें, और नंबर टू हमारे लोगों के साथ कनेक्ट करें और फ्रीलांसिंग का काम उनको सिखाएं और उनसे काम करवाएं, और अगर आप एड भेजेंगे तो उनके लिए मुश्किल बन जाएगी, क्योंकि इसराइल जो है उनके बैंक अकाउंट बंद कर देता है अगर कोई एड भेजता है उनको, और तकलीफ़ देता है अगर कोई गैर मुनज़्ज़म तरीके से उनको एड भेजी जाती है या पैसे भेज दिए जाते हैं बगैर किसी पेपर ट्रेल के। तो वो उसकी जगह वो कहते हैं कि आप हमसे काम करा लें और उसके पैसे दे दें, तो हमारा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप उम्मा को क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि लोग किस तरीके से इनसे कनेक्ट हों, क्योंकि आपने खुद से हज़ारों लोगों के साथ कनेक्शन बनाया इंटरनेट के ज़रिए, और अरबी भी सीखी, और इस तरह इसी तरीके से आपने अरबी में फ्लुएंसी भी हासिल करी, तो इसके बारे में गाइड करें कि सोशल मीडिया के ज़रिए वो कैसे कनेक्ट करें इन लोगों के साथ। बहुत शुक्रिया रेहान भाई, ये बहुत ज़रूरी है उनको उनको स्किल सिखाना, फलस्तीनी लोगों के साथ कनेक्ट होना सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर के ऊपर, इन प्लेटफॉर्म पे जाके उनको सिखाया जाए। और सोशल मीडिया के एक ऐसा जरिया कि जब उनका ताल्लुक लोगों के साथ बनेगा, बाहर की दुनिया से बनेगा, और तो उन्हें कमाना सीखना आ जाएगा कि वो किस तरह से कमा सकते हैं, सीखना सीखना आ जाएगा कि वो किस तरह सीख सकते हैं।
जो कि इस वक्त यूट्यूब और फेसबुक से मैं समझता हूँ बड़ी कोई चीज नहीं है, और अल्लाह सुबहान व तआला की इतनी बड़ी नेमत इस वक्त हमें मयसर है यूट्यूब की शक्ल के अंदर, कि जहां से हम घर बैठे अपने लिए आमदनी कर सकते हैं, उन्हें अपने अंदर ये स्किल्स अपनाएं, जैसा कि आपके भी सोशल मीडिया के हवाले से प्रोग्राम्स हैं, रेहान ट्रेनिंग के ऊपर दूसरे भी प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, तो उन्हें ये चीज सीखी जाए। और इंटरनेट तो गजा के अंदर भी मौजूद है, इसराइल के अंदर भी मौजूद है, अगर उनके पास स्मार्टफोन होगा और स्मार्ट डिवाइसेस होंगी तो इन्हें इस्तेमाल करके अपने लिए एक बेहतर फलस्तीन जो है वो और बेहतर मुस्तकबिल तामीर कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। कनेक्ट किस तरह से हो, लिंक्डइन के ऊपर होने चाहिए, लोगों के साथ कनेक्ट हो, फेसबुक के ऊपर हो, बाहर से पाकिस्तानियों को अपने साथ दोस्त बनाएं, दीगर ममालिक से दोस्त बनाएं और उनसे सीखें कि हम सवाल करें कि हम किस तरह से एक अपने अंदर अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं और कैसे हम घर बैठे कमा सकते हैं। जब वो YouTube से पूछेंगे उन्हें जरूर जवाब मिलेगा कि वो घर बैठे किस तरह कमा सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक कोई फ्रेंडशिप इस तरह की नहीं करी फलस्तीन में, तो वो लिंक्डइन पे फेसबुक पे कैसे ढूंढने हैं? लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, अब बड़े पेजेस होते हैं, आप जब वहां पे जाते हैं किसी भी वहां से देखेंगे उन लोगों को, वहां पे लाइक किसने किया है, कमेंट्स किसने किया है, उनके को अपने साथ करें। और जब उनको, जैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मेरे साथ भी फेसबुक के ऊपर दोस्त नहीं थे, तो मैंने फिर वहाँ बड़े बड़े पेजेस को तलाश किया, बड़े, जैसे मिसाल के तौर पर फलस्तीन के न्यूज़ का पेज हो गया, या फलस्तीन के जो जो ग्रुप्स हो गए उनको ज्वाइन किया, वहां से लोगों को अपने साथ ऐड करना शुरू कर दिया, कुछ फिर ट्रस्ट बनता है। जब ट्रस्ट एक दिन में नहीं बन जाता, इस पे साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, लेकिन उसका इंतजार करना पड़ता है। जब मेरा उनके साथ ट्रस्ट बन गया तो उनसे फिर मैंने अरबी भी सीखना शुरू कर दी, उन्होंने सिखाया भी, और ऐसे ऐसे दोस्त मुझे उसमें मिले गए जिनको इंग्लिश भी आती थी और जिनको अरबी भी, तो अरबी भी उन्होंने सिखाई और बहुत कुछ उनसे सीखा। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है इस तरह से वो सीख सकते हैं जैसा कि मैंने सीखा। अच्छा, इकबाल शेख साहब हमारे साथ कनेक्टेड हैं, ये मोबाइल पर ज़्यादा रहते हैं, तो अगर फर्क, आप इकबाल भाई को पर्सनली भी जानते होंगे, तो इनको अगर आपने 3 स्टेप बताने हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिजिटल फ्रेंडली नहीं है, तो आप इनको क्या कहेंगे कि इकबाल भाई ये 3 पेज पे चले जाएं और इन 3 पेज पे जाके आप कमेंट्स पढ़ें, और कमेंट्स देखने के बाद उनको कनेक्ट करें? तो जैसे मैं इनको ये कहूँगा कि आप इज़राइल के जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उनके पेज पे जाएं, उनको लाइक करें, उनके पेज पे कमेंट करेंगे जब आप, तो लोग खुद बहुत आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे, और कमेंट में आप ताना ना मारें बल्कि सवाल करें कि आप क्यों हमला कर रहे हैं, आप क्यों इन पे जुल्म कर रहे हैं। तो क्यों का जवाब तो वो दे सकते हैं, और लेकिन अगर आपने जाते ही बोला कि जी ये कर दो वो कर दो, तो ब्लॉक कर देंगे आपको, आप बाहर हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, चीखने चिल्लाना शुरू कर देंगे। इसी तरह से इन्होंने बताया कि क्योंकि फ़लस्तीन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और फ़लस्तीन के जो लोग हैं, ज़्यादातर सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली। अब तो बहुत सारे बच्चे आ गए हैं पिछले 10 साल के अंदर, मैं कल एक बच्ची की वीडियो देख रहा था, पूरी अंग्रेज़ी में बोल रही थी। तो फ़लस्तीन न्यूज़ को लाइक कर लें, और भी फ़लस्तीन लिखेंगे आप फेसबुक पे जाके सर्च में, और तो बहुत सारे आ जाएंगे। उसी तरीके से आप फलस्तीन लिखेंगे लिंक्डइन पे, तो भी बहुत सारे लोग आ जाएंगे, और फिर पीपल पे क्लिक कर दें। मैं आपको छोटा सा करके भी दिखा देता हूँ, जाके लोगों को जो चैलेंज आ रहा है, वो सबको तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन कुछ लोगों को आ रहा होगा, तो हम उनको करके दिखा देते हैं। क्योंकि फलस्तीन के जो जी, प्राइम मिनिस्टर हैं और तो आप सिंपली अगर इस अपने लिंक्डइन पे चले जाएं, और लिंक्डइन पे यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है, तो सर्च में जाके आप पैलेस्टाइन लिखेंगे, तो पैलेस्टाइन इस्लामिक बैंक आ गया, पैलेस्टाइन चिल्ड्रन रिलीफ फंड आ गया, टेली कम्युनिकेशन कंपनी आ गई। तो आप जब सर्च दबाएंगे, सर्च दबाने के बाद आप पीपल पे चले जाएं, तो पीपल पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे लोग नज़र आएंगे। फातिमा शेख हैं, डायरेक्टर टू एम्बेसडर पैलेस्टाइन एम्बेसी इन इस्लामाबाद,
सेक्रेटरी इंटरनेशनल पैलेस्टाइन इंस्टीट्यूट जॉर्डन, इनको इसी तरीके से आप और भी चलेंगे तो आपको कुछ लोग मिल जाएंगे जिनका ताल्लुक कुछ ना कुछ फलस्तीनियों से होगा। जब ये तीन लोग आपसे कनेक्ट हो जाएं तो उसके बाद फिर दोबारा जब आप सर्च करेंगे तो और चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पे सर्च किया कि फलस्तीन अथॉरिटी में कौन से लोग हैं। अब उसने हमको दिखाया कि अफराग माली जो हैं ये फलस्तीन अथॉरिटी में हैं, ये जो हैं शाउआ मरार हैं, चेयरवुमेन हैं बिजनेस वुमेन फोरम की। तो इस तरह के हाई प्रोफाइल लोग और हर तरह के लोग आपको मिल जाएंगे कि फलस्तीन टेलीफोन कंपनी के सीईओ आ गए, इनके साथ मेरे 23 कॉमन फ्रेंड हैं। तो जब आप सर्च करेंगे तो आपको डेफिनेटली लोग मिल जाएंगे। तो अब अगर हम इनके लिए सर्च करें इंटरफेथ, और इंटरफेथ के अंदर ही अगर हम सर्च करते हैं कि फलस्तीन में इंटरफेथ में कौन काम करते हैं, तो ये सामी आवाज है, ये इनकी स्किल्स में आ रहा है इंटरफेथ, और प्रिंसिपल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ये किस में काम करते हैं, इनको भी हमने कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेज दी। तो अब हमारे 5-10 कनेक्शन बन गए इनके साथ। तो अब इनके जो दोस्त होंगे वो यहाँ पर फेसबुक खोल के दिखाना शुरू कर देगा। मैं सिंपल अगर मोहम्मद सर्च कर लूँ तो, क्योंकि फलस्तीन में बहुत कॉमन नाम है, तो आपको बहुत सारे इंस्टेंटली नज़र आ जाएंगे। मोहम्मद कामिल साहब हैं जो कि जिनीन जो एरिया है उनका सिटी, उसकी चैम्बर के जनरल डायरेक्टर आ गया, मिनिस्टर ऑफ फलस्तीनियन इकोनॉमिक काउंसिल आ गए रिकन्स्ट्रक्शन के लिए आ गए, फिर पीएलसी के मेंबर हैं ये, पता नहीं पीएलसी क्या होता है, ये मेरे फर्स्ट फ्रेंड है ऑलरेडी हैं, पता नहीं पीएलसी स्टैंड्स फॉर क्या है, देख लेते हैं, फलस्तीनियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो फलस्तीन के अंदर ये पार्लियामेंटेरियन है, ये पहले से मेरे फ्रेंड हैं। तो मैसेज कर दिया कि जी सलाम अलैकुम भाईजान, आपका इंटरव्यू कर सकते हैं, तो अब जवाब देंगे तो हम इनको कनेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से इन्होंने बताया कि फेसबुक पे आप चले जाएं, सही नज़र आ रहा है अमजद भाई? जी नजर तो आ रहा है, अभी स्क्रीन वाइट है हाँ, वो स्क्रीन रीलोड हो रही है। जी, आप लोग हैं। मैं खाली मैंने फलस्तीन लिख के सर्च किया तो उसके बाद मैंने पेजेस पे चला गया, तो अब ये फलस्तीन के पेजेस आ गए जिसमें 2,06,000 लोग हैं। फलस्तीन टेक्सास में एक जगह है उसका नाम है, तो बहुत सारे पाकिस्तान के आ रहे हैं जो हमने सेलेक्ट किए हुए हैं। लेकिन फिर आप ग्रुप्स पे चले जाएं तो ग्रुप्स में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, फेडरेशन ऑफ इसराइल पैलेस्टाइन कोई बनी हुई है, आई वांट फ्रेंड फ्रॉम पैलेस्टाइन मेरा एक ग्रुप है, उसमें चले जाएं, डिफरेंट ग्रुप्स बहुत सारे आ जाएंगे, उनको आप ज्वाइन कर लें। रेहान स्कूल फलस्तीन बना हुआ है, पाकिस्तान बिजनेस फोरम बनाया था मैंने बहुत साल पहले फलस्तीन के साथ, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो जो उनके साथ बिजनेस कर सकते हैं आप। तो अगेन बहुत सारे ग्रुप्स नज़र आएंगे, 500 म्यूचुअल फंड एक्सपेरिमेंट का ग्रुप बना हुआ है, 2016 का बना हुआ है, 5 साल पहले का। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, और उसके लिए आपको दुआ के साथ साथ जो दवा है वो थोड़ी सी कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने जो ग्रुप बनाया आज उसमें उन लोगों के लिए बनाया है कि जो लोग आपसे इंटरफेथ सीखना चाहते हों। तो ये बताइए कि इंटरफेथ आपने क्या होता है ये तो बता दिया, लेकिन इंटरफेथ को सीखना क्यों ज़रूरी है? इंटरफेथ को सीखना इसलिए ज़रूरी है कि हम इंसान हैं और हम लोगों के साथ ही रहते हैं, अकेले जिंदा तो नहीं रहेंगे, लोगों के साथ ही रहते हैं, वास्ता पड़ता है इस दुनिया के अंदर। पाकिस्तान में होंगे तो शायद गैर मुस्लिमों से कम पड़ता हो, लेकिन जब हम पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो हमें बहुत वास्ता पड़ेगा। तो अगर हम हमारे अंदर कुछ ऐसी कुछ नेगेटिविटी होगी तो हम काम नहीं कर सकेंगे। तो इंटरफेथ एक पॉजिटिव काम है कि जिससे हम अपने दिमाग के अंदर भरे हुए चीजों को निकाल कर लोगों के लिए इंसानियत की सोच लेकर आते हैं कि इंसान सब बराबर हैं और सब इंसानों को अपनी अपनी जगह पे रहने का, अपने अपने जीने का हक है, और जो भी इंसान है उसका एहतराम करें
इससे जो है वो आपके ऊपर एक अच्छा मुस्बत असर पड़ेगा। ठीक है, तो क्या सिखाएंगे आप इनको जो आपके साथ स्टूडेंट के तौर पे शामिल होंगे तो? इनको मैं ये सिखाऊंगा कि एक तो मैं अपना बताऊंगा कि मैंने क्या सीखा है, कि जैसे मैंने आपको बताया कि गलतफहमियां दूर हुई, और दूसरा ये कि लोगों के साथ कनेक्ट करूंगा। मैंने मिसाल के तौर पर अगर किसी को सवाल है कि कोई हिंदुइज्म को जानना चाहता है, तो मैं उनसे कहूंगा कि आप फलां बाबा के पास या साईं के पास या उनके गुरु के पास आप चले जाएं, अपने सवाल कर लें या विजिट कराना। कुछ सिखाना रेहान भाई उसे जबान से बताने से बेहतर ये है कि हम लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ दें। तो मैं इनको मुख्तलिफ लोगों के साथ जोड़ूंगा, और इन्हें जैसे कि नारायणपुरा है, मैं वहाँ मैंने काफ़ी विजिट किए हैं और वहाँ पे जाकर मैंने उनके मंदिरों को गया हूँ। तो इसी तरह से दीगर जो क्रिश्चियन हैं उनके पादरियों से मुलाकातें की हैं और अब भी होती रहती हैं मुलाकातें। बाइबल को पढ़ा है, जिसे मैंने ये समझा है कि सारे खुदा के पैगाम हैं जो हर जमाने के अंदर अलग अलग तशरीह के साथ आए हैं, और सब मजाहब के अंदर इंसान दोस्ती का पैगाम है, इंसान से मोहब्बत करने का, इंसान के काम आने का पैगाम है। तो मैं उन्हें यही सिखाऊंगा कि आप एज अ इंसान होने के आप दीगर मजाहब के साथ आपका रवैया कैसा होना चाहिए, एज अ मुस्लिम होने के आपको किस तरह से औरों के साथ बिहेवियर करना चाहिए, कैसे पेश आना चाहिए। हमारे यहाँ एक छोटी सी एक रिवायत चली आती है, मिसाल के तौर पर रिवायत हदीस की नहीं, हमारे कल्चर के अंदर किसी मुसलमान के अलावा किसी को अगर हम कोई गिलास में झूठा कर ले तो कहते हैं कि उसको धोना चाहिए, उसको धोना चाहिए, हम ये सुनते रहते थे। तो इसको कहीं कुरान हदीस के अंदर कोई नहीं है। अगर हम इसके ऊपर बिलीव करेंगे कि यार ऐसा है, छूत अछूत का तसव्वुर है इस्लाम के अंदर, तो फिर तो माज अल्लाह इस्लाम का जो आलमगीर पैगाम है वो तो सब खत्म हो जाएगा। तो मैंने जब इस इंटरफेथ के काम में गया, थोड़ा मुझे भी एक शुरू में एक होता था कि यार मैं ऐसा क्यों करूं, लेकिन फिर मुझे इस इंटरफेथ के काम ने इस पर आमादा किया कि मैं अपनी किताबों को उठा के देखूं, कुरान को पढ़ूं, हदीस को पढ़ूं, तो मुझे तो कहीं रेफरेंस नहीं मिला इन चीज़ों का। तो हमारे रस्म और रिवाज के अंदर या सुनी सुनाई बातें हमारे अंदर चली आती हैं। तो इंटरफेथ दरअसल उस काम के अंदर ऐसा एक फिल्ट्रेशन है कि जो हमारे अंदर से इंसानी जो अकायद व नजरियात हैं उनके हवाले से हमारे अंदर से बहुत सा कचरा निकाल देता। फिर वो कचरा अगर हमारे अंदर होता है तो हम बाहर भी चले जाते हैं तो वहां भी नहीं सुधरते हैं, वहां भी हम कह रहे होते हैं भाई ये तो ये गोरे ऐसे होते हैं, ये फलां ऐसा है, फलां मजहब के लोग ऐसे हैं, फलां ऐसे हैं, फलां ऐसे। तो इंटरफेथ हमारे अंदर बहुत पॉजिटिविटी पैदा करता है, हमारे हमारी जिंदगी के लिए बहुत अच्छा है कि हम एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। अच्छा, अगर हम गैर मुस्लिमों से मिलना शुरू कर देंगे, उनकी किताबें पढ़ना शुरू कर देंगे, तो हमारा ईमान खतरे में नहीं पड़ जाएगा? ईमान हमारा वैसे ही खतरे में होता है अक्सर। हमारे मुल्क में अक्सर जिस जो सबसे ज्यादा खतरे में होती है वो मजहब ही होता है, और अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि ये बहुत नाकाबिले यानी कि एक हैरत अंगेज बात है। आप देखें कि इस्लाम सबसे हमारा दावा है कि सबसे आखिर में आए, और इसका मतलब है कि बहुत पहले इससे मुख्तलिफ मजाहब मौजूद थे। इस्लाम जब आखिर में है तो पहले और भी होंगे, तो फिर इस्लाम आगे कैसे बढ़ गया? अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को ये डराते रहते कि तुम औरों के पास नहीं जाना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो वो तो महदूद हो जाता। आपने फरमाया कि निकल जाओ, इसकी दावत लेकर पूरी दुनिया में चले जाओ और फैल जाओ, कोने कोने में चले जाओ। तो किसी सहाबी को कहीं पे शाम जाने में या कुस्तुनतुनिया जाने में या रूम जाने में, बाजनतीनियों के पास जाने में या ईरान जाने में किसी को डर नहीं लगता था कि मैं क्यों जाऊं वहां पे, वहां तो मेरा अकीदा खतरे में पड़ जाएगा, वहां तो वो शामी पहले से मसीही हैं, वो तो मुझे ईसाई बना देंगे। किसी को डर नहीं लगा, हमें डर लगता है फलां कौम के पास चले जाएंगे, बात कर लेंगे, यहूदी से दोस्ती कर लेंगे, किसी हिंदू से दोस्ती कर लेंगे, तो वो मुझे कुछ माज अल्लाह रा की एजेंडी के ऊपर लगा देगा। अरे भाई, अगर हमारा ईमान या हमारी मुल्क से दोस्ती इतनी ही कमजोर है तो ऐसे ईमान और दोस्ती का हमारा क्या फायदा है कि जो किसी के सिर्फ हवा के झोंके से ही हम पलट जाएंगे? भाई, तो एक मोमिन तो वो होना चाहिए जो ताकतवर और कुव्वत के साथ हो, तो उसको उसके अपनी बात के ऊपर मुस्तहकम हो के मुझे कोई हिला नहीं सकता। मैं किसी से भी बात करूंगा, दोस्ती करूंगा, फ्रेंडशिप करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान रहूंगा, और मैं
दूसरे के साथ, दूसरे के प्लेटफॉर्म पे जाकर इस्लाम की बात करूंगा। ये जो डर हमारे अंदर एक बिठा दिया गया है अफसोस के साथ, इस पे बहुत सारी चीजें रेहान भाई ऐसी हैं कि जिसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कि मुख्तलिफ लोगों के साथ बातचीत करना, आप क्यों कर रहे हैं, फलाम माइनॉरिटी के पास क्यों जा रहे हैं, हिंदुओं के पास क्यों जा रहे हैं, भाई आप यहूदियों से क्यों, आप फेसबुक के ऊपर बातें क्यों कर रहे हैं, यहूदी तो इस तरह है, यहूदी ऐसे हैं। अगर ऐसी बात होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाकर यहूदियों को अपना भाई ना कहते कि यहूदी हमारे भाई हैं। इनके साथ मिसाक मदीना तय किया कि जो आज तारीख के अंदर दुनिया का सबसे पहला ऐसा मुआहदा है कि जिसके अंदर दूसरे लोगों को उनके हकूक दिए गए। बाकायदा उनसे कहा गया कि फलां कबीला नाम ले लेके कहा गया कि ये हमारे साथ शरीक है, और ये भी कहा गया कि अगर मदीना के ऊपर बाहर से कोई कुव्वत आती है और वो हमलावर होती है तो हम और यहूदी दोनों मिलकर उसके खिलाफ जिहाद करेंगे। यहूदियों के साथ ऐसा एग्रीमेंट किया गया। यहूदियों के साथ कोई जाति दुश्मनी नहीं है इस्लाम की। वो तो बाद में जाकर अगर किसी ने भी खिलाफ वर्जी की तो लाजिम बात है उसको फिर वो एक्शन लेना पड़ा इस्लाम को। लेकिन एज अ मजहब होने की यहूदियत से इस्लाम ने कहीं पर भी किसी भी जगह पे भी उनसे दोस्ती करने से, बातचीत करने से, यहूदियों के साथ ताल्लुकात कायम करने से इस्लाम ने कहीं पर भी नेवर 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 मना नहीं किया है, मना नहीं किया। बल्कि सीरत की किताबों के अंदर है कि गज़वे खैबर के अंदर यहूदी भी जो है वो खुद इस बात के ऊपर आमादा नहीं थे कि वो जंग करते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ जो जिन चीजों के ऊपर मिसाक मदीना किया था, अगर वो उससे हटते नहीं तो उसी तरह भाई होते, कौमी और वतनी भाई होते। तो अब इन चीजों को लेकर अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये बात करें कि जी देखें गज़वे खैबर में ये हुआ और उसके पीछे सारी बातों को ना रखें, बनु कुरैज़ा की बात को लेकर हम ये कहें कि 600 700 900 यहूदियों को मार दिया और इसकी तहकीक ना करें कि ऐसा हुआ भी है या नहीं हुआ है, तो मेरे भाइयों हम फिर यहूद दुश्मनी के अंदर, हिंदू दुश्मनी के अंदर, मसीह नॉन मुस्लिम, रियाल भाई जो शुरू में मैंने बात कही, आपने कहा कि गैर मुस्लिमों से दोस्ती करना या गैर मुस्लिमों को दुश्मन कहा गया, कोई एक कुरान की आयत तो बता दी जाए कि जिसमें कहा गया गैर मुस्लिम दुश्मन, गैर मुस्लिमों को कहीं दुश्मन नहीं कहा। मैंने कहा कि ये टर्म्स हैं, गैर मुस्लिम चाहे यहूदी है या मसीही है या हिंदू है, वो ओ मैनकाइंड है, अन्नास है, या अय्युहन नास उत्तकू रब्बकुम, या अय्युहन नास से बात करता है। अगर उसके अंदर में किसी एक के अंदर कोई बात हो तो उसे फिर मुखातब करके कहता है यहूदी हो, मसीही हो, एक नसारा, वरना तो सबको इंसानियत के दायरे में रहता। ठीक, कुछ सवाल ले लेते हैं यहाँ पे। कुछ अगर किसी के जहन में कुछ सवाल आ रहे हों तो ज़रूर काइंडली लिखिए। जी, कमाल की बात है कि उनको ये करना चाहिए बजाय इसके कि अपने जुल्म का जवाब दें। जी, अपने जुल्म का जवाब देने के बजाय क्या जुल्म का जवाब देना चाहिए? पहला मेरा सवाल है, दूसरा इनका सवाल का जवाब दीजिएगा। जुल्म का जवाब बिल्कुल देना चाहिए, जुल्म को दे रहे हैं वो लोग, फलस्तीनी दे रहे हैं जवाब, और दुनिया पाकिस्तान भी उनके साथ, उनकी आवाज में आज ओआईसी ने करारदाद भी पेश कर दी है और फलस्तीनियों की मदद भी जो है वो करनी चाहिए, इसमें वो जवाब तो दे रहे हैं। मैं इनका सवाल दरअसल समझा नहीं हूँ कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। जो मुसलमानों से हो सकता है वो तो कर रहे हैं ना, उनके लिए, फलस्तीनियों के लिए कर रहे हैं, मतलब उनकी मदद भी कर रहे हैं। देखें वो जो हमास के बड़े हैं इस्माइल हनिया, वो कहाँ पर है, वो गजा में है या कतर में बैठे हुए हैं? कतर में बैठे हुए हैं, अमन के साथ, सुकून के साथ बैठे हुए हैं, वहां से क्यादत कर रहे हैं। हमास की पूरी लीडरशिप जो है वो कतर में है, तो तालिबान की पूरी लीडरशिप कतर के अंदर है, तो जिहाद तो वहां गजा की आवाम कर रही है और दूसरे लोग भी उनकी मदद कर रहे हैं। तो अब ये कि बात ये कि समझना कि किस तरह से मजीद मदद की जाए, ये देखना है कि हम उनको अच्छे स्किल सिखा सकते हैं और उनकी आवाज को ज्यादा से ज्यादा दुनिया तक लेके जाएं कि भाई इन पे जुल्म ना करो, और जितना हद से हो सकता है पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। ये इसमें तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिना के जमाने से लेकर आज तक पाकिस्तान का जो जो नैरेटिव है वो यही है कि फलस्तीनियों को उनका हक मिलना चाहिए। शफीक साहब, आप बिल्कुल सवाल कर सकते हैं। आप अगर कमेंट में लिखेंगे तो मैं आपका सवाल पढ़ के मुफ्ती साहब के सामने रख दूंगा।
कुछ लोगों ने गुस्से वाला बटन दबाया है लाइक्स में, तो वो गुस्सा जो है सिर्फ लाइक में ना दबाइए, सवाल की सूरत में लिखिए कि आपको किस बात पर गुस्सा आ रहा है, जाके हम उसका हम भी समझ सकें अगर हम गलत राह पर हैं, अगर हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिसका ताल्लुक दीन से नहीं है, तो हम अपने आप को करेक्ट कर लें। तो मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट होगी कि बजाय गुस्सा की शक्ल दिखाने की, आप गुस्से वाला सवाल बेशक लिख लीजिए, या जो बात समझ में नहीं आई वो लिख लीजिए, या दीन की रोशनी में जो चीज़ आप गलत समझते हैं वो लिख लीजिए, कोई रेफरेंस मुफ्ती साहब से मिस हो गया है वो बता दीजिए, इनका नंबर, इनका ग्रुप, सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में लगाया है। बात करना बहुत सख्त ज़रूरत है, कभी कभी मुफ्ती साहब खुद भी बात नहीं करते, लेकिन ये कि बात करना बहुत ज़रूरी है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का खौफ क्यों है अभी तक? मुझे पता नहीं है कि सलाहुद्दीन का अयूबी का क्या खौफ है। जिब्रान भाई, आप काइंडली मुफ्ती साहब को डायरेक्ट बात कर लें, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बेहतरीन ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, एनिमेशन आर्टिस्ट हैं। कल मैंने एक नई सीरीज़ देखी, उसका नाम था कि लाइफ डेथ एंड रोबोट्स, तो वो सारी कार्टून की शक्ल में है। आप एनिमेशन सीरीज शुरू कर सकते हैं फ़लस्तीनियों के लिए, अपनी स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं कार्टून की शक्ल में, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उसकी, आप उसको मोनेटाइज कर सकते हैं, उसको आप सेल कर सकते हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी और मुसलमान आपको फ़लस्तीन की कहानी के लिए सुनाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकेंगे, और आप अपनी YouTube के ऊपर वीडियो बनाकर फ़लस्तीनियों को सिखा भी सकते हैं कि ये कैसे करा जाता है। मुफ्ती साहब, फ़लस्तीन कौन से तरीके से आज़ादी हासिल करें इसराइल के जुल्म व जबर से? जी मुफ्ती साहब, आप इस पे कोई जवाब देना चाहेंगे? फलस्तीनियों को आज़ादी किस तरह हासिल करनी चाहिए? एक तो वो ये है कि वो उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और उसके लिए उन्होंने हर तरह से करके देख लिया है, और जंगें भी हुई हैं इसराइल और अरब वार 1967 के अंदर, अरब गालिबन गालिबन हुई है, जिसके अंदर शाम और मिस्र की ये जंग थी, और लेकिन उसका नतीजा भी सामने है कि उसमें बजाय इसके मिस्र से गजा चला गया और शाम से गोलान की वादियां चली गई। तो जंग से दुनिया में कहीं पर भी नतीजा तो कुछ नहीं निकला है। अब यह है कि फलस्तीनियों को अपनी जो जद्दोजहद जिस तरह उन्हें बेहतर लगती है वो उसको कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि उनकी जद्दोजहद वो क्या है और किस तरह होनी चाहिए, लेकिन हमें उनकी मदद कर सकते हैं और उनको कुछ सिखा सकते हैं, मदद कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अमन के अंदर बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको भी अमन नसीब करे। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको मैं आपसे दोबारा पूछूंगा, हालांकि हम पूछ चुके हैं। ये बताइए कि क्या ज़मीन के लिए जंग मुझ पर वाजिब होती है? यानी अगर मेरी, या एक इसका जवाब दीजिए फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। जी, जमीन के लिए जंग बिल्कुल, अगर आप आपकी है, आपका वतन है, उस पर कोई हमलावर होता है, उसके लिए बिल्कुल जंग होती है। अच्छा, आप ज़रा चेक कीजिएगा कि ज़मीन के लिए जंग होती है या आइडियोलॉजी के लिए जंग होती है या अल्लाह की नुसरत के लिए होती है, एक चीज़। और दूसरा ये कि मुसलमान के लिए ज़मीन कितनी रखना जायज़ है, कितनी ज़मीन वो रख सकता है, कितनी क्या ज़मीन पे ख़रीदने के लिए हम आए थे दुनिया में कि हम ज़मीनें ख़रीदेंगे, घर बनाएंगे, किस लिए आए थे? इसलिए आए थे, एक तो ये सवाल था। दूसरा इनका सवाल है, दोबारा हम दोहरा देते हैं, कुरान में वाज़े ये यहूदी और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, क्या ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह पाक का फरमान गलत हो? काइंडली इसको ज़रा दोबारा समझा दीजिए। जी, माज अल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला का फरमान गलत नहीं हो सकता, और कोई ऐसा कह भी नहीं सकता है कि अल्लाह सुबहान व ताला का फरमान गलत है, या अल्लाह को ये मालूम नहीं है कि यहूदी या नसानी क्या है। बात यह है कि कुरान मजीद की आयात की तशरीह कौन कैसे करेगा, और वो यहूद व नसारा के ज़माने में तो आज हम नहीं बैठे हुए हैं। लाजिम बात है कि जो तशरीह हुई होगी उस दौर को समझना होगा कि उस दौर के अंदर क्या था, और कुरान की दीगर आयात को भी देखना होगा। मैंने आपको सूरह तौबा की एक आयत बताई कि उसमें लिखा हुआ है कि मुशरिक को जहां मिले उसे कत्ल कर दो। तो आप मुझे बताएं कि आपके इर्द गिर्द में अगर कोई गैर मुस्लिम होगा, हिंदू हो यहूदी हो, तो क्या आप उसको कत्ल कर देंगे? आप कहेंगे कि नहीं, उसको हम कत्ल नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर रहे? कुरान तो कह रहा है उसको खत्म करो।
आप लाजमी बात कहेंगे ना कि भाई इससे मुराद ये नहीं है, ये मुशरिक नहीं है, ये नहीं है, ये वो जो आप कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि कुरान को सिर्फ एक जगह से नहीं समझा जा सकता है मेरे भाई, कि एक जगह पे कहा यहूद नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, दूसरी जगह पे कहा है सूरह बकरा की आयत है कि इस अहले किताब के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो रातों को उठ उठ कर अल्लाह के सामने दुआएं करते, और फिर उस कुरान मजीद में कहा गया है कि वो लोग जो यहूदी हैं, वो लोग जो मुशरिक हैं, वो लोग जो मसीही हैं, तुमसे इनके इनके लिए इनका अजर अल्लाह के यहाँ है, और अल्लाह के यहाँ जब ये पेश होंगे तो अल्लाह इनको इनकी अजर बराबर देगा, और अगर वो यहूद नसारा हमारे दुश्मन हैं तो अल्लाह उनको अजर क्यों दे रहा है? फिर ये भी कहा गया है कि लैसा बि अमानियकुम वला अमानी अहले किताब मन यअमल सुअन युज़ा बिही, के ए मुसलमानों तुम्हारी तमन्नाओं से कुछ नहीं होने वाला कि जी मैं मुसलमान हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं यहूदियों से अफजल हूँ, नहीं। फरमाया कि ना यहूदियों का ये कहना कि वो दुनिया में सबसे अफजल है, ना मसीहियों का ये कहना, अल्लाह के यहाँ सबसे बेहतर वो है कि जिसका अमल अच्छा होता है। अगर एक मुसलमान है उसका अमल बेहतर नहीं होगा तो वो किस तरह से दूसरे से बेहतर हो सकता है? तो कुरान की पूरी आयात को देखेंगे हम, और फिर हम फैसला करेंगे क्या कहना क्या चाह रहा है। तो जो आयात ये बता रहे हैं बिल्कुल ये कुरान के अंदर मौजूद है कि यहूद नसारा नहीं हो सकते, और ये वही यहूद और नसारा है कि जिन्होंने अहद शिकनी की, जिन्होंने मुसलमानों के साथ या उस दौर में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के साथ साजिशें की, वो यहूद और नसारा मुराद है, न कि आज के यहूद और नसारा। शफीक भाई, वो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। कुरान शरीफ जो है, जब भी पढ़ा करें ना, तो आयत बाय आयत ना पढ़ा करें। तो बजाय इसके कि आप अगर समझना चाहते हैं, तो एक एक अगर कोई किताब उठा लें और उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि वो पखाने गया, या वो कोई गंदी बात लिखी हुई है, तो उसके पीछे की भी तो कॉन्टेक्स्ट देख लें ना कि क्या था। उसकी 10 लाइनें पहले और उसकी 10 लाइनें बाद में ज़रूर पढ़ें, जाके आपको सियाक व सबाक समझ में आए। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो कहानी होती है वो मुश्किल से समझ में आती है, और उसको हम किसी भी तरीके से लेके जा सकते हैं। एक नशरी था रेहान भाई, वो कहता था कि कुरान में लिखा हुआ है जी नमाज, जी जी तो बोले। कहा कि भाई नमाज ना पढ़ा करो, ये कहा? उसने कहा नहीं, कुरान में लिखा हुआ है नमाज ना पढ़ा करो, नमाज अल्लाह ने कहा है कि नमाज नहीं पढ़ना, नमाज के करीब भी अब नहीं वो जाना। आयत मुझे भेजें, उसका एक पोस्टर बना के भेजें कि कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि नमाज ना पढ़ो करो, मैं आज से नमाज नहीं पढ़नी चाहिए मुझे, नहीं तो हम ये सवाल लिख लेंगे। बहुत अच्छा होगा कि खाली एक आयत लगाएंगे ना। जी वो फिर उसे कहा कि भाई पूरी तो पढ़ो, उसमें है वह अंतुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में हो, तो अब पूरा पढ़ते तो नहीं वो है तो पूरी वो पढ़ने की अपना जरूरत नहीं है मतलब। ना, हम भी खाली वो इतना हिस्से का पढ़ लेंगे ना, तो लगा देंगे कल से नमाज माफ हो गई यार, कुरान शरीफ में लिखा है नमाज नहीं पढ़ी। यार आपने पहले नहीं बताई ये वाली आयत मुझे, इतनी सारी आसानी पैदा हो जाती है लोगों में, दीन में आसानी पैदा करो, ये भी तो लिखा है जी। ये शफीक साहब पूछ रहे हैं दोबारा। रेहान भाई, आप अच्छे तरीके से जानते हैं हज़रत मोहम्मद हिजरत करने का मकसद ही इस्लाम के लिए जगह यानी वतन हासिल करके खिलाफत कायम करना था, टेक अल्लाह पाक के हुक्म यानी अदल व इंसाफ अल्लाह पाक ही के हुक्म के मुताबिक हो। जी ठीक है, बिल्कुल, अगर आप ये कह रहे हैं तो हो। पहली बात याद रखिए, मैं अच्छे तरीके से कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं अच्छे तरीके से अपने आप को भी नहीं जानता हूँ, मैं अपने अच्छे तरीके से दुनिया की कोई ऐसा इल्म नहीं है जिसको ना जानता हूँ ना जानने की ताकत रखता हूँ। मैं एक इंसान हूँ, भूल जाता हूँ और भुलाया जाता हूँ। मैंने एक हदीस पढ़ी थी या सुनी थी, याद नहीं, कि जब मैं भूलता हूँ तो अल्लाह की तरफ से वो भुलाया जाता हूँ, भूलते नहीं हूँ। मुझे हदीस का नंबर नहीं याद है, लेकिन आप भी चेक कर लीजिएगा। क्या आज यहूदी मुसलमानों की जगह जरा कतने पर नहीं लगे हुए? शफीक भाई, आप एक सेशन कर लें डायरेक्टली इनके साथ, क्योंकि आप हम सवाल पर सवाल करें। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है कि ऐसे लोगों को, जो लोग दूसरे लोगों से गुफ्तगू करना चाहते हों, इंटरफेथ का काम करना चाहते हों, जो कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड हो। सब लोग तो इंटरेस्टेड नहीं होंगे, आपके घर में 5 भाई हैं, 5 अलग अलग चीज़ें करते हैं, तो उनके लिए एक ग्रुप बनाया गया है कि वो लोग, जैसे आसिम जावेद साहब जो हैं, इनके साथ आप ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा मुफ्ती साहब, कि ये जो हैं, ये यहूदियों के स्कूल में पढ़ते थे, यूके के अंदर यहूदियों के साथ पढ़ते थे, इनके जो टीचर थे वो रैबाई थे। मतलब मैं तो आज तक किसी मुसलमान से नहीं मिला जो इस तरह का हो, तो ये एक पहले मिले हैं जो कि यहूदियों के स्कूल में 5 साल इन्होंने तालीम हासिल करी, रेगुलर स्कूल में,
जैसे हमारे यहाँ सेंट पैट्रिक्स है, क्रिश्चनों का स्कूल है, तो इसी तरीके से ये इनका इंग्लैंड में स्कूल था जो कि यहूदी चलाते थे, तो इसमें पढ़ते थे। तो इनसे आपको बहुत ज़्यादा सीखने को भी मिलेगा और इनके साथ गुफ्तगू अच्छी आप कर सकेंगे। और इस वक्त ये कल मैंने इनकी पोस्ट शेयर की थी, तो कुछ लोग इन पर नाराज़ भी हुए होंगे, तो रात की नींदें ख़राब हो जाती हैं 3-4 दिन तक। वो भी आप इनकी हेल्प आउट कर सकते हैं। तो पीपल फियर वॉट दे डोंट अंडरस्टैंड एग्री द कुरान वर्स यू कोट इज इन द कंडीशन व्हेन समवन इज अटैकिंग अ बिलीवर इन स्टेट ऑफ वॉर। काइंडली क्लेरिफाई दिस एज वेल। लोग जो हैं वो उस चीज़ से डरते हैं जो समझते नहीं हैं, एग्री करते हैं। ये कुरान का जो वर्स आपने बताया है इस कंडीशन में है कि जब आपके ऊपर कोई बिलीवर जो है स्टेट ऑफ वॉर में हमला कर रहा हो। तो इसको आपने पहले समझा दिया है मेरे ख्याल में, पहले ही बहुत अच्छे तरीके से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आसिम भाई ने सुन लिया होगा, नहीं सुना तो दोबारा जब हम एंड करेंगे तो सुन सकेंगे। राबिया, ब्यूटीफुल, थैंक यू राबिया। आप भी काइंडली इनकी क्लास में शामिल हो और इनसे इंटरफेथ सीखें। सुना है आप दोनों को भी इंटरफेथ की ज़रूरत है और इंटर डायलॉग की भी ज़रूरत है। दोनों भी मिसकम्युनिकेशन पहले भी हो चुका है, तो आप लोगों के लिए भी आसानी होगी कि आप एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे के साथ कमरे में बैठे हैं। तो इंशाल्लाह इंटर रिलीजन, जो इंट्रा रिलीजन भी बहुत ज़रूरत है इसकी। सवाल ख़त्म हो गए हैं यहाँ पर। आखिरी शफक भाई, शफीक भाई, क्या आज यहूदी मुसलमानों की जगह कटने पर नहीं लगे हुए? मुझे नहीं मालूम इसका क्या मतलब है, काटना है या कटना है। लगे हुए होंगे लेकिन यहूदी नहीं लगे हुए, एक मुल्क है इसराइल जो अपने लिए ये करता है। आप यहूदियों को ना बोलें मेरे ख्याल में। जी मुफ्ती साहब, इस बारे को भी क्लियर कर दीजिए कि सारे यहूदियों के ऊपर हम स्टैंप लगा देते। यही रेहान भाई, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसराइल एक रियासत है, उसके अंदर 70% जो है वो यहूदी और 20% गालिबन वो अरब हैं। तो वहाँ पर मुस्लिम भी रहते हैं और वो एक रियासत है, वो सब दो यहूदियों की वन तरह। पॉइंट एट मिलियन मुसलमान रहते हैं, 1.8 मिलियन, 18 लाख मुसलमान रहते हैं। टोटल 9 मिलियन है, 90 लाख टोटल इंसान है उसके मुल्क में। उस टोटल 90 लाख में से 18 लाख मुसलमान हैं। उसके अलावा दुरूज हैं जो कि मुसलमानों का एक और वेरिएशन है, यहूदी हैं वो क्रिश्चियंस हैं, डिफरेंट चीज़ हैं। तो जी आप फरमा रहे थे कि क्या इसराइल सारे दुनिया यहूदियों का हमें पिटाई कर देनी चाहिए? नहीं, ये देखें इस तरह तो जो जंगें हैं वो मुल्कों की आपस में होती हैं, तो हम उस पर सबका हुक्म नहीं लगा देते हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर पाकिस्तान की किसी इस्लामी मुल्क के साथ हो जाती है तो क्या हम ये कहेंगे कि जी मुसलमान ऐसा होता है, इस्लाम ऐसा है, तो या सब मुसलमान ऐसे हैं? तो ये हमारा रवैया, मैं समझता हूँ, दुरुस्त नहीं है, पुरानी रवैया नहीं है। तो इसको यहूदी आज भी जो दुनिया भर के अंदर हैं, वो सोशल मीडिया पे देखा जा सकता है, वो फलस्तीन के, वो इसराइल के इस इकदाम की हिमायत नहीं करते हैं, और बल्कि वो कहते हैं कि अमन होना चाहिए, और फलस्तीनियों के ऐसे भी हैं जो फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। तो यहूदी सारे के सारे बुरे नहीं हैं, सारे के सारे मुसलमान बुरे नहीं हैं, सारे के सारे हिंदू बुरे नहीं हैं। कुछ 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 मिलके जहां पर होते हैं, तो हमें उन कुछ की निशानदेही करनी चाहिए, ना कि सब के ऊपर जो है वो हम हुक्म लगा देंगे जी सब ऐसे। सही है। अच्छा, दुनिया में 1.8 बिलियन मुसलमान है, 1.8 अरब मुसलमान है, और सिर्फ 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ यहूदी हैं। क्या अगर तमाम मुसलमान मिलकर, उसमें से आधे लोग तो फेसबुक चलाते ही हैं, तमाम यहूदियों को दोस्त बना लें, दावत का काम देना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल में 2-4 साल के अंदर यहूदी ख़त्म हो जाएंगे बेचारे, या और थोड़े से रह जाएंगे? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये बहुत आसान है, मैंने गूगल पे देखा था कि जो इसराइल के बाद जो सबसे ज्यादा यहूदी रहते हैं, शायद मैं इसमें सही नहीं हूँ, आप मुझे सही कर लीजिएगा, यमन में रहते हैं, शायद वहां पर हैं, या अकॉर्डिंग टू गूगल के वो यमन में है, और फिर ईरान के अंदर है, तो वहां पर बेहतर तरीके पे रह रहे हैं। ईरान के अंदर भी यहूदी हैं, उन्हें कोई मुसलमानों को उनसे कोई मसला नहीं होता, यमन के लोगों को उनसे कोई मसला नहीं है, तो
अगर वो चूंकि दोस्ती है वहां पर, समझते हैं एक दूसरे को, तो अगर हम मुसलमान ये काम कर ले जो कि इनका असल काम है, हमारा असल काम है दावत का, कि हम लोगों को अपने अखलाक के साथ, अपने रवैये से दावत दें, दोस्ती करें, फ्रेंडशिप करें, ये मुमकिन ही नहीं हो सकता है कि जो है वो अमन ना हो, दोस्ती कायम ना हो। आपके जो नंबर्स हैं वो सही नहीं हैं अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया दुनिया में जो सबसे ज़्यादा रहते हैं वो रहते हैं अमेरिका में। अब ये ठीक नंबर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, 12,000 कैसे हो सकता है, मुझे ज़रा ज़्यादा गूगल करना पड़ेगा। सबसे जूस टू ज़्यादा, पॉप यमन, अगर जूस क्या अब ये वन यमन, थाउजेंड से मेरे ख्याल में ये 12 मिलियन होंगे, टोटल 23 मिलियन आ रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर से 6.4 मिलियन, 5 मिलियन इसराइल में, 1.2 मिलियन, सॉरी 120, समझ नहीं आ रहा नंबर, 12 मिलियन होंगे इस अमेरिका में, 6.5 मिलियन है इसराइल में, उसके बाद 7 लाख हैं, या हाँ 7 लाख होंगे फ्रांस में, 7 लाख हैं कनाडा में, 6 लाख बचे हैं रशिया में, वेस्ट बैंक में, अच्छा वहाँ भी रहते हैं, 413, 4,13,000 हैं, यूके के अंदर 4,10,000 हैं, आधा मिलियन, अर्जेंटीना में 3.5 लाख हैं, जर्मनी में 2,75,000 हैं, नहीं ईरान में इतने नहीं हैं, ईरान में सर्च कर लेते हैं, हाउ मैनी ज्यूज लिव ईरान, जो ईरान में रहते थे ना वो बहुत सारे लोग माइग्रेट करके चले गए हैं अमेरिका। साढ़े 3 लाख लोग रहते हैं, 3 लाख से 3.5 लाख लोग रहते हैं ईरान के अंदर शायद, आप सर्च मजीद कर सकते हैं, मेरे ख्याल में नंबर्स मुझे सही मिल नहीं रहे, ठीक है, ठीक। इसको पढ़ना पड़ेगा बैठ के, इंस्टेंट गूगल नहीं हो रहा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपके इंटरफेथ सेंटर के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग इंटरफेथ पे काम करना चाहते हैं, इंटराफेथ पे काम करना चाहते हैं, उनके साथ आपके साथ कनेक्ट होंगे, आपके तालिबे इल्म बनेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनको बेसिक बेसिक कोर्स कराएं और कोर्स बना के सर्टिफिकेट ज़रूर दें कि ये MFH सर्टिफाइड हैं इंटरफेथ के वॉलंटियर, या इंटरफेथ के कोच, या इंटरफेथ के इंसान, या इंटरफेथ कुछ भी, आप उनको सर्टिफिकेट ज़रूर दें, और अगर आप सर्टिफिकेट देंगे तो उससे उनको भी हौसला मिलेगा और वो उसके बारे में फिर बात कर सकेंगे, डायलॉग क्रिएट होगा, मजीद प्रोवोकेशन आएगी। शफीक भाई शायद नाराज़ हैं, कतन गलत, मुफ्ती साहब दावत खिलाफत से पहले कोई पहल नहीं ला सकता, इस्लाम दीन है, इसका पूरा निज़ाम जिंदगी हुकूमत है जी। शफीक भाई मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हम आपको, क्योंकि जानते नहीं हैं आपके इल्म को, नहीं जानते आपके बैकग्राउंड को, नहीं जानते, मुफ्ती साहब एक मुफ्ती हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सालों लगाए हैं ये स्टडी करने के अंदर, तो आप किसी मुफ्ती के साथ लाएं और कुरान और सुन्नत को सामने रखें, इस्लाम 360 अपने पास इंस्टॉल करें, उससे चीज़ें निकालें, रेफरेंसेस निकालें और प्रूफ करें, जैसे जैसे अकाउंटिंग होती है ना उसी तरह से ना, नंबर्स जो है ना झूठ नहीं बोलते, तो जिस कुरान पे और जिस हदीस पर आप बिलीव करते हैं किसी आलिम पे क्यों बिलीव करें, आप मुफ्ती हमदर्द पे आलिम पे हैं उन पे बिलीव तो नहीं कर रहे हैं ना, तो वो आपको रेफरेंस ला के दे रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई कुरान में ये लिखा हुआ है, अगर गलत है, मुझे गलत समझ में आया तो मुझे समझा दो, तो उनको जो समझ में आ रहा है वो आपको बता रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह वो ना आपको दीन से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ना वो खुद दीन से हटने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो अपने सामने वो चीज़ जो उनके सामने आ रही है वो समझ रहे हैं ज़्यादा डिफरेंट अंदाज से। इसी मजहब के अंदर, कुरान के मजहब, मुसलमानों के मजहब के अंदर अब तो दर्जनों फ़िरके बन चुके हैं ना, उसी कुरान की आयत को अलग तरीके से इंटरप्रिटेट किया जाता है, उसी कुरान की आयत को अपने इल्म के रोशनी में देखा जाता है, तो
तो आप अपने इल्म की रोशनी में देख रहे हैं और ये अपने इल्म की रोशनी में देख रहे हैं। अगर कि ये गलत कर रहे हैं तो आप इनको गाइड कर दीजिए कि भाई हाँ, हमारा हम इस कुरान को मानते हो। कहते हैं हाँ भी, हम भी उसी कुरान को मानते हो। कहते हैं ये हदीस सही है, ये सही है। हाँ भी, ये भी सही है। अच्छा, ये तशी सही है, ये तशी सही। हाँ भी, ये भी सही है। तो फिर प्रॉब्लम कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा जब आप रेफरेंसेस के साथ आएंगे। और अगर आप सिर्फ मैं अपनी दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे अब्बा ने ये बताया था, मेरे मौलवी साहब ने बताया था, जुम्मे की नमाज मैंने ये सुना था, स्कूल में ये पढ़ा था, तो जब कुछ साल पहले दुनिया को कहा जाता था घूमती नहीं है, अब कहा जाता है दुनिया घूम रही है, लाखों किलोमीटर स्पीड से चल रही है। ना मैं ये प्रूव कर सकता हूँ ज़ाती तौर पे कि दुनिया घूम रही है, ना मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि नहीं घूम रही। कोई साइंसदान होगा, उसने कोई लॉजिक लड़ाई होगी, उसने कहा भाई घूम रही। आजकल भी बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं उनके पास प्रूफ है, वो कहते हैं नहीं घूम रही है। तो हर साइड के वो मल्टीपल पिक्चर्स होते हैं, आपको जो सही लगता है आप वो कर लें, उनको जो सही लग रहा है उनको गाइड कर दें। अगर वो नहीं गाइड होना चाहते, जहन्नम में जाना चाहते हैं, तो उनको जाने दें। वो कुरान और हदीस की रोशनी से आपको गाइड कर रहे हैं, आप भी कुरान और हदीस की रोशनी से गाइड होना चाहते हैं। उनको मौका दें कि वो अपनी बात बताएं। आपको अच्छे नहीं लग रही, आप भी यूट्यूब का चैनल बनाएं, फेसबुक का चैनल बनाएं, आप भी बात करना शुरू कर दें। जब आप बात करना शुरू करेंगे तो ओवरनाइट मुफ्ती फजल हमदर्द आपकी वजह से तब्दील नहीं होंगे, और आप मुफ्ती फजल हमदर्द की वजह से ओवरनाइट तब्दील नहीं होंगे, क्योंकि जो चीज़ हमने बचपन से सुनी होती है उसी को, वही हमारा सच होता है। उसको तब्दील करने के लिए बहुत साल लगते हैं सारे और ओवरनाइट नहीं होता। पहले तो अंदर पहले ख्याल आता है, फिर अंदर कश्मकश शुरू होती है, फिर लड़ाई शुरू होती है, फिर अंदर की जंग चलती रहती है, फिर कहीं जाके आदमी एक्सेप्ट करता है कि अच्छा वाकई हो सकता है। तो आप बजाय इसके के परेशान हो कि ये आपको मिसगाइड कर रहे हैं, परेशान हो कि मैं मिसगाइड कर रहा हूँ, आप डेटा लेके आए, प्रूफ करें। और जिस तरह अभी इन्होंने बताया कि नमाज के करीब ना जाया करो, अब ये वाली लाइन मैं अपने ना फेसबुक के कवर पे लगाने वाला हूँ कि नमाज के करीब ना जाया करो, कुरान अल कुरान नीचे लिखा होगा। तो अब आप सोचे ना कि, लेकिन अगर मगर निकाल दिया ना, इफ देन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह। भाई अगर भूख लग रही हो तो खाना खा लो, नहीं खाना नहीं खाया करो। अब कुरान में अगर लिखा हो जब तक के भूख ना लगे, तो अब क्या होगा, खाना ही नहीं खाओगे कभी। कुरान में लिखा खाना नहीं खाया करो। पूरी बात समझने की कोशिश करनी चाहिए, ना समझ में आए तो वो करना चाहिए जो सही लगे, और इनको जो सही लग रहा है वो ये कर रहे हैं। इनको मैंने मना किया था इस काम को करने से, बाय द वे इन्होंने मेरे साथ कुछ साल गुजारे हैं, और उसके बाद मेरा ये ख्याल है कि इनको नहीं करना चाहिए। हमारे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, लॉजिकल कॉम नहीं है हम लोग, लॉजिक से नहीं सुनते। अगर कुरान शरीफ की भी कोई आयत निकाल के ले आएगा तो भी लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि लोग इमोशनल हैं, इमोशन से सुनते समझते हैं, अकल से नहीं सोचते। और जो जो बात सुनी हुई होती है वही समझते हैं, वरना ना फिरके होते, ना यहूद, ना हमारे यहाँ पे, ना हमारे यहाँ सुन्नी होते, ना हमारे यहाँ शिया होते, ना देवबंदी होते, सभी की बात कर रहे होते। तो कुरान भी मौजूद है, इस्लाम 360 भी मौजूद है, तमाम हदीसें भी अब इंटरनेट पे आ गई हैं, हाथ में आ गई हैं, फिर भी फिरके वारियत है। ये हमेशा होता रहा है, अल्लाह करे हमेशा ना रहे। कोशिश ये है कि जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आती जा रही है उतना ज़्यादा हम आसानी क्रिएट करते हैं। दीन में आसानी क्रिएट करनी चाहिए, समझाना कोशिश करनी चाहिए। अगर आप मुफ्ती साहब को इनके यूट्यूब पे जाएंगे तो उस पे साफ लिखा हुआ है कि मैं दीन की बातों को आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये काम शुरू किया है। डर मुझे लगता है इनकी ज़िंदगी के लिए, बहरहाल ये इनकी अपनी ज़िंदगी है, जो चाहे इसके साथ करें, और इनकी बात को लॉजिकली समझें। आपके चारों तरफ जो उलमा कराम हैं उनको भी आप रिक्वेस्ट करें, उनको हेल्प करें कि वो भी यूट्यूब पे आएँ, वो भी फेसबुक पे आएँ, और लॉजिक को लेकर आगे लाने की कोशिश करें। और जो चीज़ लॉजिकली एक्सप्लेनेबल है उसको एक्सप्लेन करें, जो चीज़ लॉजिकली एक्सप्लेनेबल नहीं है उसके ऊपर जो है वो क्या करें, या आप मुफ्ती साहब से पूछिएगा। मुफ्ती साहब और कोई चीज़ ऐड करनी है या फिर इजाज़त ले लें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आपको बहुत बहुत प्यार, आपकी बहुत बहुत रिस्पेक्ट, आपसे बहुत मोहब्बत है मुझको।
अल्लाह आपको और अच्छा बनाए और आपके काम को फैलाए। और आप, हाँ आप कुछ मंदिरों में जा रहे हैं इस हफ्ते, जिसको दावत देना चाहे दे दें कि जाके लोग आपके साथ जो भी चलना चाहे वो भी चला जाए। जी बिल्कुल, कोई मेरे साथ पाकिस्तान की टूर पे करना चाहता है और मुख्तलिफ मज़ारात, औलिया किराम के मज़ारात और मुख्तलिफ मज़ाहिब के मंदिरों और इबादत गाहों में का दौरा अगर करना चाहता है तो ज़रूर मेरे साथ चले। और इंशाल्लाह मैं अपनी डिटेल जो है वो रेहान भाई ने मेरी सेंड कर दी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे आप उससे रब्ता कर सकते हैं। जो लोग मुफ्ती साहब के साथ दौरा मुफ्ती हम फाजल हमदर्द पे जाना चाह रहे हो डिजिटलाइजेशन के, उस पे ये इंशाल्लाह फ़ोन्स भी बांटेंगे लोगों को और उनके सोशल मीडिया पे भी लाएंगे और उनको जो इनके पास है वो बांटने की कोशिश कर रहे हैं और मज़ीद सीखने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। इनके साथ आप अगर टूर पे जाना चाहते हो तो आप वो भी जा सकते हैं इनके साथ। अगला सेशन जब होगा, जब आप करना चाहेंगे, शफीक भाई नंबर आपके पास मौजूद है और नंबर लेकर आप इनको फ़ोन करें, इनसे बात करें, इनके साथ स्ट्रीम यार्ड पर आ जाएं और गुफ्तगू करें। इनको भी सीखने का मौका मिलेगा और सिखाने का मौका मिलेगा और आपको भी सीखने और सिखाने का मौका मिल जाएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।